सागर जिला के देवरी कला तहसील अंतर्गत ईश्वरपुर मड़खेड़ा गांव में बेशकीमती चमकीले पत्थर के गुड़िया मिलने के बाद अब ग्राम बीना में भी पत्थर के गुड़िया मिल रहे हैं, जहां करीब प्रतिदिन सैकड़ों लोग पत्थर के गुड़िया खोदत भए सुबह से शाम तक बरसत पानी में देखे जा रहे हैं। इतने गांव-गांव से लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। गांव घुघरी पिपरिया के युवक को पत्थर को चमकीले गुड़िया जमीन की खुदाई कर समय मिलो है। युवक ने बताया कि पिछले एक महीना से इतने प्रतिदिन 500 से लेकर 1000 तक लोग सुबह 7 बजे से लेकर सूरज ढलवे तक शासकीय भूमि में पत्थर की गुड़िया खोदत हैं। ज्ञात हो कि पिछले दिनों ईश्वरपुर मड़खेड़ा में पत्थर की चमकीले गुड़िया मिलने के बाद पुरातत्व विभाग की टीम ने जांच करी थी। जांच में पुरातत्व शास्त्री ने इतने मिल रहे पत्थर के चमकीले गुड़ियों के बारे में कही थी कि ये चमकीले गुड़िया शताब्दी के गौड़ वंश के शासनकाल के बताए हैं। इतने पर लगातार मुगलों को शासनकाल भी रहो है। बीना बारा में आज भी हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं मौजूद हैं। पुरातत्व शास्त्रियों ने इन चमकीले गुड़ियों को बेशकीमती नहीं बताओ तो, लेकिन इतने के लोगों के लाने जे चमकीले गुड़िया रोजी रोटी को जरिया बन गए हैं। लोगों की किस्मत चमक रही है। लोग सबरे काम धंधा छोड़ के सुबह से शाम तक बरसत पानी में जमीन की खुदाई कर पत्थर की गुड़िया खोज रहे हैं। हम बदमाश कह रहे के वो ऐसे पत्थर घान में मिल रहा है गो, तू के लाना खुदाई करने आए थे यहाँ पे। क्या तो आज गुड़िया भी मिले हैं? रिया मिला है, चेक करवाएंगे अब इसको। कितने का बिकेंगे? कितने दिन हो गए आपको खुदाई करते? हमको हो गए कम से कम 8 दिन। तो और गुड़िया नहीं मिली आपको? और भी रखे हैं ना, घर पे रखे हैं। करीब कितने गुड़िया होंगे? 10-12। ये कितने के बिकेंगे? अब ये चेक करके बताएंगे, वो विक्रेता आएगा। कहाँ के आते हैं? ये जबलपुर के आते हैं। दिन भर में 100 घंटे बिक जाते हैं, 100-150 तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कंकड़ वगैरह खोद रहे हैं। मिलते हैं लोगों को? कोई कोई मिल जाता है, कोई कोई नहीं मिलता। तो दुकान कब से लगा रहे हैं? ये कल लगाई थी और आज लगाई। 150-200 घंटे बिक जाते हैं? हाँ, 150 घंटे, 100 घंटे, 200 नहीं बिकते, 150-100। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त सागर संभाग एवं बुंदेलखंड का एकमात्र बुनियादी चिकित्सा का कॉलेज, जिसमें प्रवेश लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप पा सकते हैं रोजगार और स्वरोजगार। इसमें हो रहा है सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार कोर्स, जिसके द्वारा आप खोल सकते हैं अपना फर्स्ट एड सेंटर और कर सकते हैं प्राथमिक उपचार। दिए गए नंबर पर संपर्क करें।